क्या अमेरिका रूस के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहता है? क्या अमेरिका रूस की ताकत को चकनाचूर करना चाहता है? क्या अमेरिका रूस के साथ एक ऐसा युद्ध चाहता है जो पर्दे के पीछे से हो? और क्या अमेरिका रूस को पूरी तरीके से तबाह करना चाहता है? ये सवाल इसलिए क्योंकि यूक्रेन को अमेरिका गुपचुप तरीके से ऐसे हथियार दे रहा है जो रूस को पूरी तरीके से तबाह कर सकते हैं। लेकिन आखिर क्यों रूस को अमेरिका तबाह करना चाहता है? आखिर क्यों अमेरिका पुतिन को भड़काना चाहता है? तो आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज, आप देख रहे हैं शेष भारत। अमेरिका ने हाल ही में रूस से लड़ने के लिए लंबी दूरी की मिसाइलें यूक्रेन को भेजी हैं। यूक्रेन ने अब तक उनका 2 बार इस्तेमाल भी किया है, लेकिन अगर इसका और इस्तेमाल किया गया तो रूस का भड़कना तय माना जा रहा है। वहीं जब लंबी दूरी की मिसाइलें यूक्रेन ने इस्तेमाल की और दुनिया में हलचल मची तो अमेरिका का जवाब भी आया और अमेरिका ने बताया कि यूक्रेन ने हथियारों का इस्तेमाल केवल यूक्रेन के अंदर करने की बात कही है। यूक्रेन इन मिसाइलों का इस्तेमाल रूस में नहीं करेगा। लेकिन अमेरिका ऐसा कह तो रहा है, लेकिन अमेरिका मन ही मन ये चाहता है कि यूक्रेन इस मिसाइलों का इस्तेमाल रूस के खिलाफ करे और रूस पर हमला करे, क्योंकि अमेरिका को रूस रास नहीं आता और अमेरिका यूक्रेन के जरिए रूस को सबक सिखाना चाहता है। इसलिए तो यूक्रेन को गुपचुप तरीके से लंबी दूरी की मिसाइलें यानी आर्मी टैक्टिकल मिसाइलें सिस्टम को दिया गया जो काफी घातक होती हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि कितनी घातक है आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम। आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम काफी घातक है। ATACMS यानी आर्मी टैक्टिकल मिसाइल को अमेरिका बनाती है। 1670 किलोग्राम वजनी इस मिसाइल की लंबाई 13 फीट होती है, व्यास 24 इंच होता है, इसकी रेंज 300 किलोमीटर है। यानी यूक्रेन अगर कहीं से भी इसका इस्तेमाल करेगा तो ये रूस के किसी भी शहर को तबाह कर सकती है। और इसी मिसाइल का यूक्रेन ने इस्तेमाल किया जब 17 अप्रैल 2024 की सुबह यूक्रेन की सेना ने रूस के झनकोई में मौजूद एयरबेस पर हमला बोला। ये एयरबेस क्रीमिया के उत्तरी इलाके में है। यहाँ पर रूस की सर्वश्रेष्ठ एयर डिफेंस सिस्टम S-400 तैनात थी। यानी दुश्मन की मिसाइल इस एयरबेस पर हमला ना कर सके, लेकिन अमेरिका से ली गई मिसाइल से यूक्रेन ने इस सिस्टम को ही नष्ट कर दिया। यानी अमेरिका से ली गई मिसाइल ने रूस के एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को तबाह कर दिया। दरअसल रूस का झनकोई एयरबेस आमतौर पर लॉजिस्टिक और रिपेयरिंग हब है। यहां पर कई अटैक एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, लेकिन यूक्रेन ने जानबूझकर रूस के संवेदनशील टारगेट्स पर हमला किया। रूस ने यूक्रेनी हमलों से बचने के लिए अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट किया था, लेकिन इस बार S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ढंग से काम नहीं कर पाया, जिससे वो पूरी तरीके से तबाह हो गया। और अब ये कहा जा रहा है कि अमेरिका ऐसा ही चाहता था, इसलिए यूक्रेन को अमेरिका ने आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम दिया ताकि यूक्रेन के जरिए अमेरिका रूस को सबक सिखा सके, क्योंकि अमेरिका चारों तरफ से रूस को घेर रहा है। रूसी हवाई हमलों का मुकाबला करने के लिए अमेरिका ने यूक्रेन की मदद की। अमेरिका यूक्रेन को रॉकेट लॉन्चर दे रहा है। अमेरिका ही यूक्रेन को एंटी टैंक मिसाइल भेज रहा है। सतह से हवा में मार कर सकने वाली मिसाइल की आपूर्ति भी अमेरिका यूक्रेन को कर रहा है। यूक्रेन को मशीन गन स्नाइपर राइफल भी अमेरिका ही भेज रहा है। साथ ही अमेरिका की तरफ से पिस्तौल और अन्य हथियार भी भेजे जा रहे हैं। इस तरह से यूक्रेन की रूस के खिलाफ जंग में अमेरिका के हथियार मदद कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि अमेरिका की रूस से दुश्मनी पुरानी है और यूक्रेन के जरिए अमेरिका रूस को सबक सिखाना चाहता है। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के बाद तत्कालीन सोवियत संघ और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ने लगा। इसकी वजह से राजनीतिक आर्थिक विचारधारा हो गई। अमेरिका पूंजीवाद पर यकीन करता, जबकि सोवियत संघ कम्युनिस्ट विचारधारा वाला था। दोनों को यकीन था कि उनके सिस्टम से दुनिया ज्यादा सही ढंग से चल सकेगी। धीरे धीरे ये बात भी तनाव की वजह बनने लगी। दोनों देशों को लगता था कि वो अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरे छोटे देश पर असर डालने के लिए कर रहे हैं। वॉर के बाद सोवियत संघ और अमेरिका सबसे ताकतवर देश बचे थे। दोनों ही बाकी दुनिया को अपनी तरह से चलाने की कोशिश करने लगे। यहां तक कि ब्रिटेन, जिसे दोनों ही देश पहले साम्राज्यवादी मानते, अमेरिका ने उससे हाथ मिला लिया और ब्रिटेन ने यूरोप के साथ मिलकर नाटो बना लिया। दूसरी तरफ सोवियत संघ ने ईस्टर्न यूरोप के साथ वारसा समझौता कर लिया,
इससे दुनिया बिना युद्ध के ही दो खेमों में बट गई थी। ये तनाव चरम पर था। दूसरा युद्ध खत्म होने के चलते कोई भी देश सीधे सीधे हमला करने की स्थिति में नहीं था, लेकिन वो खुद को ज्यादा ताकतवर बनाने की कोशिश करने लगे। जैसे अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजने की होड़ लग गई और रूस अमेरिका दोनों ही स्पेस पर कब्जा करना चाहते थे। दोनों ही दनादन परमाणु हथियार बनाने लगे। एक और समीकरण बना जिसका शिकार हुए आर्थिक राजनीतिक तौर पर कमजोर देश, जब ज्यादातर अफ्रीकी देशों में लगातार गृह युद्ध चल रहा था। दोनों बड़े देश इसमें शांति लाने के लिए अपनी सेनाएं भेजने लगे, लेकिन शांति तो क्या आई, उल्टे सेनाएं एक दूसरे से भिड़ने लगी। अमेरिका अब घोषित तौर पर सुपर पावर बन चुका था, रूस अब बीते जमाने की बात हो चुका था और अमेरिकी पूंजीवाद सबसे ऊपर था। व्लादिमीर पुतिन के सत्ता में आने के बाद से रूस एक बार फिर पुराने अंदाज में खड़ा होने की कोशिश करने लगा। सीरिया में अमेरिकी कार्रवाई के दौरान रूस सीरिया की मदद करने लगा ताकि अमेरिका को झटका लग सके। अब अमेरिका ने भी यूक्रेन की मदद करके रूस को उसी अंदाज में पटखनी देने की कोशिश की है, लेकिन क्या अमेरिका की ये कोशिश आगे आने वाले समय में दुनिया में कोई बड़ी तबाही लाने वाली है, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।